प्रसाद हाय 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 रविशंकर प्रसाद हाय हाय चौबीस लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही तमाम प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कई प्रत्याशियों को उनका विरोध भी झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। हम बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ उनके ही पार्टी यानी एनजी के ही कई प्रवक्ता जो है वो उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर को लेकर प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है, उन्हें एनडीए की तरफ से टिकट तो मिल चुका है लेकिन वो किसी लायक नहीं है। आपको बताते चले कि रविशंकर प्रसाद को लेकर पहली बार इस तरह की कोई वीडियो सामने नहीं आई है। इससे पहले भी कई वीडियो जो है वो सामने आए हैं जहां आम जनता से लेकर उनके ही पार्टी के कई कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से रविशंकर का विरोध किया जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे वो तस्वीर देख सकते हैं जो रविशंकर प्रसाद के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। फतुहा विधानसभा के सवलपुरा पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर के खिलाफ एनडीए कार्यकर्ताओं का यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी रविशंकर हैं उनके खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर के खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोश दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको बताते चलें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में लगी है, प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं शंकर कुमार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी हो रही है। चलिए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, उन लोगों की बातों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है रविशंकर के बारे में, उनके कामों को लेकर, उनके कार्यकालों को लेकर हम आपको खुद उनके मुंह से सुनवाते हैं। आपका भेद जो है उसमें इतना ताकत है कि जब वो सांसद विधायक पे जब हार जाते हैं तो कफन तक का पैसा जो सरकार जो है आपके मोहर के बदले देते हैं। लेकिन हम किसान मजदूर जिला जलाने वाले, दुकान जलाने वाले, चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला पर सामान ढोने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले भाई और खेत मजदूर करने वाले भाई, वहां पर मीटिंग होने वाला भाई, प्रसाद हाय 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 रविशंकर प्रसाद हाय हाय रविशंकर प्रसाद वापस जाओ रविशंकर।